नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा हमने पार्ट नंबर एक भाषा शुरू किया था। इसमें अब तक हमने पढ़ा था कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरों को समझाते हैं, या फिर उनके मन के भावों को सामने वाले के मन के भावों को समझते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है हमारी भाषा। फिर है मातृभाषा। क्या होती है मातृभाषा? जो भाषा हमारा परिवार बोलता है या हमारे माता पिता बोलते हैं, वो क्या होती है? मातृभाषा। यानी कि जो भाषा हम अपने परिवार से सीखते हैं या माता पिता जिसे सीखते हैं, वो हमारी मातृभाषा होती है। फिर है कि राजभाषा कौन सी है। हमारे देश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। हमारे देश की राजभाषा हिंदी। यानी राजकीय कार्यों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा। फिर आगे पढ़ा था हमने अनेक राज्यों के नाम, जो भारत में अनेक राज्यों के नाम और उनकी भाषा का नाम। ठीक है बेटा। फिर हमने कल पढ़ा था कि भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। ठीक है बेटा। तीसरा रूप है संकेतिक, लेकिन वह उसको मान्यता नहीं मिली है, इसलिए हम दो रूपों का ही वर्णन करते हैं, लिखित और मौखिक। ठीक है। लिखित भाषा जो लिख कर प्रकट की जाए, और मौखिक जिसे बोलकर या सुनकर हम समझते हैं, वो होती है मौखिक भाषा। ठीक है बेटा। आगे हमने पढ़ा था कि मौखिक भाषा किस प्रकार से मोबाइल से, दूरदर्शन से, संगणक यानी कंप्यूटर के द्वारा मौखिक भाषा होती है। लिखित पुस्तक में लिखी हुई, पत्रिकाओं में लिखी हुई, समाचार पत्र में लिखी हुई लिखित भाषा। संकेतिक यातायात पुलिस के द्वारा संकेत दिया जाना, यातायात के नियमों का भी संकेत के द्वारा समझना, नमस्ते या अभिवादन को संकेत द्वारा कहना, तो ये होती है संकेतिक भाषा। ठीक है बेटा। अब समझते हैं हम, यदि हम आगे हैं, यदि हम शुद्ध भाषा बोलते हैं तो समाज में हमारा सम्मान होता है। अगर हम भाषा को कैसा बोलते हैं? शुद्ध, यानी कि बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम भाषा को अशुद्ध बोलेंगे तो लोग हमारा उपहास करेंगे। यदि हम अशुद्ध भाषा बोलेंगे तो लोग हमारा उपहास करेंगे, यानी मजाक उड़ाएंगे। तो जिस प्रकार से अशुद्ध कैसी है? स्मृति गीत गाता है। अब इसमें क्या ध्यान में आ रहा है बेटा कि स्मृति, स्मृति लड़की है, तो लड़की के लिए हम क्या कहेंगे? गीत गाता है? नहीं, हम कहेंगे स्मृति गीत गाती है। फिर है नरेंद्र पानी पीती है। नरेंद्र लड़का है, वो क्या पीती है आएगा? नहीं, क्या आएगा? नरेंद्र पानी पीता है। ठीक है। समस्त भाषाओं के अपने नियम और व्यवस्थाएं होती हैं, इन्हें हम व्याकरण कहते हैं। यानी कि जो भी भाषा के नियम और व्यवस्थाएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। शुद्ध भाषा जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। यदि हमें शुद्ध भाषा बोलनी है, सही ढंग से बोलनी है, तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है बेटा। तो ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध भाषा का ज्ञान होने के लिए हमें किस चीज़ का चाहिए, किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? व्याकरण का। ठीक है। शुद्ध भाषा को जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। फिर है भाषा के तीन अंग होते हैं। पहले मैंने बताया था कि भाषा के कितने रूप होते हैं, अब है भाषा के तीन अंग होते हैं। देखो बेटा, जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंग होते हैं, शरीर कैसा है? एक है, लेकिन उसके विभिन्न अंग हैं, जैसे बाजू है, कान है, हाथ है, पैर है। ठीक है। तो इन सब को मिला करके क्या बनता है बेटा? हमारा शरीर। ठीक है। इसी प्रकार भाषा के भी तीन अंग होते हैं। भाषा किस प्रकार बनती है बेटा? सबसे पहले होते हैं उसके अंदर वर्ण, यानी क, ख, ग, जितने भी वर्ण होते हैं। फिर उन वर्णों को मिला करके बनता है शब्द। जिस प्रकार से जैसे क वर्ण वर्ण है, क में ल वर्ण और मिला दिया तो क्या बन गया? शब्द बन गया कल। और विभिन्न शब्दों को जब मिला करके हमने इकट्ठा लिखा तो वो क्या बन गया? वाक्य। तो भाषा के तीन अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। इन सब तीनों को मिला करके क्या बनती है? हमारी भाषा। ठीक है बेटा। भाषा के तीन अंग होते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। ठीक है। और भाषा के कितने रूप होते हैं? दो, लिखित, मौखिक। ठीक है बेटा। तो आज फिर से ये पूरा लेसन आपको अच्छे से रीड करना है और समझना है। ओके बेटा।